dançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé. Balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje. Hey guys, welcome back to the Technical Kick YouTube channel. So guys, aaj ki is video mein hum log baat karenge best MP40 के बारे में। गाइज ये टॉपिक किसी ने अपलोड नहीं करा, कोई अपलोड नहीं करता ये चीज़ें। तो गाइज मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से ये क्वेश्चन आ रहा था कि यार इतनी सारी MP40 की स्किन है, कोई तो स्किन होगी जो सबसे अच्छी है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी जांच पड़ताल करी, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें, वीडियोज़, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, और जिससे नतीजा जो आया उसका अब मैं आपके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। तो गाइज ये देखो, ये इतनी सारी MP40 की स्किन है, सब में अलग एट्रीब्यूट्स है, सबके अंदर अलग अलग पावर है, सबकी अलग खासियत, बट सबसे बेस्ट MP40 कौन सी है, कैसे पता लगाएं, ठीक है ना गाइज। तो इसके लिए यार मैंने, मतलब जो होते हैं असली में रियल प्रो प्लेयर जो मोबाइल पे ही खेलते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, ये नहीं जो PC पे खेलते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा मैं। मोबाइल पे खेलने वाले रियल प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा, और रियल प्लेयर्स मेरे को मिले कहाँ से, एशिया इन्विटेशनल्स में से, ठीक है ना। तो मैंने एशिया इन्विटेशनल्स को क्लिप को रोक रोक के बार बार देखा कि कौन सी MP40 ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सब लोग ये वाली MP40 यूज़ कर रहे थे जिसमें डबल डैमेज, एक रेंज ज़्यादा और रीलोड स्पीड थोड़ी सी कम हो, ठीक है ना गाइस। ये सबका सब बंदा यही MP40 यूज़ कर रहा था, मैंने इसको आज तक कभी यूज़ नहीं करा, बट मैं इसको अब यूज़ करने जा रहा हूँ, क्यों, देखने के लिए इस MP40 में इतना क्या खास बात है कि यार सब लोग यूज़ करते हैं। तो करेक्टर स्किल में भी मैंने कोई चेंजेस नहीं करे, सिंपल करेक्टर स्किल रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं रखा कि जिससे इस MP40 को हेल्प मिले, ठीक है ना। कैली पैलोमा प्लस में हयातो रखा है मैंने इसके लिए, ठीक है। तो गाइस ये तो होगी आज की वीडियो में, इस MP40 का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँगा, किल करूँगा, देखते हैं क्या होगा। सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक लगाया आपके सामने अभी, ठीक है ना। और अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ किसी और गन के बारे में करें, क्योंकि इतनी सारी गन की स्किन है, कौन सी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, कैसे पता लगे। तो कमेंट सेक्शन में जिस गन के बारे में सबसे ज़्यादा डिमांड है कि कौन सी गन की वीडियो बनाऊँ, और उस, मतलब कि किसी बंदे ने डाला MP40 की पिंक स्किन, ऐसे करके जो भी आएगा सबसे मस्त जो कमेंट लगेगा उसको मैं देखूँगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और देखूँ हाँ भाई ये बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब तो मैं इस MP40 को बनाने का, MP40 देख सकते हैं कतई जहर है दिखने में, तो पर वही मैंने कभी यूज़ नहीं करती, सच बता दो ये वाली MP40। बट एशियन इन्विटेशनल मैंने बीच बीच में देखा पहले, क्योंकि उस दिन मैं पूरा देख नहीं पाया था, बीच बीच में आप दोबारा देखा तो मैंने सबका देखा, सब लोग यही MP40 यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका। तो मैं इस MP40 का रिव्यू करने जा रहा हूँ गाइस, और ये MP40 मिलेगी कहाँ से सबको बता देता हूँ। ये MP40 सबके पास है जो ढंग से डेली गेम खेलता आ रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये एक इवेंट के अंदर आई थी गाइस MP40, ये एक इवेंट के अंदर आई थी, जिस इवेंट के अंदर कुछ कलेक्ट करना था, एग्जैक्ट याद नहीं, मतलब कि हाँ किल्स कुल्स करने थे, विंस करने थे, और उसकी भी ट्रिक मैंने दी थी उस इवेंट को पूरा करने की, और इतनी ईजिली हम लोगों ने वो इवेंट पूरा करा था, और हमारा इवेंट के बाद हमको ये MP40 मिल गई थी सबको परमानेंट, ठीक है ना। ये वो MP40 है, हर किसी के पास होगी, आप चेक करोगे तो, अगर आपने इवेंट पूरा करा था तो आपको मिल गई होगी, ठीक है। तो गाइस हम गेम पे फोकस करते हैं, गेम आ चुके हैं हमारा, हम MP40 ढूंढेंगे और साथ में कोई भी गन उठा लेंगे, लॉन्ग रेंज की दोनों MP40 नहीं चला सकते, सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक के अंदर पूरे 48 बंदे आए हैं। मैं उतर रहा हूँ ब्राजीलिया में, क्योंकि एक्शन देखने का चाहूँगा कि भाई MP40 क्लोज रेंज में, लॉन्ग रेंज में, मिड रेंज में, क्योंकि रेंज का थोड़ा सा एडवांटेज है, तो रेंज देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब देखते हैं क्या होगा इस गेम के अंदर, फोकस करते हैं और इस MP40 के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि जब तक इसकी गोली ख़त्म ना हो तब तक इसको रीलोड ना करें, बिकॉज थोड़ा सा रीलोड टाइम स्लो है, कि 15 गोली मार के रीलोड करूँगा मैं तो मुश्किल होगा दूसरे बंदे को मारना, तो इसलिए पूरी गोली ख़त्म करो उसके बाद रीलोड करो, तो मैं कोशिश करूँगा ध्यान से, ठीक है ना। तो इस बंदे काफ़ी सारे उतरे हैं, यहाँ पर मैंने उठा लिया है ट्रीटमेंट गन, मेरे को मिली है ये कौन सी है, MP5, चलो UMP MP5, पता है स्किन नहीं लगा रखें। तो बंदा आ गया मेरे सामने, भाई साहब मारो भाई, ओ UMP5 खत्म हेडशॉट के साथ। चलो गाइस MP40 भी मिल गई इसी बात में मेरे को, M4A1 भी आ चुके मेरे पास, ऑटोमेटिक M4A1 उठ गई, पता नहीं कहाँ से उठे। तो गाइस अब हो चुके हमारे पास 1 किलो, और MP40 है मेरे पास, तो बंदा खड़ा है, लॉन्ग रेंज में MP40 का यूज़ करूँगा, चलो डाउन पूरा मार देते हैं बैठ के, ना तो कोई ऊपर से उठना ले लें, ठीक है ना गाइस। तो ये हो गया हमारा बंदा पूरा खत्म। चलो अब हमारे पास हो चुकी है MP40 की 75 गोली, एंड हो चुकी है हमारे पास, एक और बंदा आया, लो 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 नहीं लगी, बिकॉज मैं सोच रहा था हेडशॉट लेने की, नहीं लगी आराम से मारने, उसको डैमेज हुआ खराब, ओ भाई भाई क्या मस्त डैमेज करा, काफ़ी सही डैमेज करा MP40 ने, ख़त्म। एक और बंदा डाउन पड़ा है, लॉन्ग रेंज में देख रहा हूँ कोई आ रहा है, नहीं क्लोज रेंज में कोई आ रहा है, फुट साउंड आ रहा है मेरे को, एक और बंदा आया, नोबड़ा से कपड़े पहन के आया, शॉट गन लेके ये गया MP40 पावर, लैगर लैगर लैगर, ओ भाई साहब 24-25 के डैमेज, ये भी MP40 की होगी गई गोली खत्म, हो भाई 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 क्या होगा यार, मरेगा मरेगा,
देते हैं। चलो भाई ये भी खत्म गाइस, हमारे पास हो चुके हैं 0 MP40 की गोली, बट हमने इसको पूरा मार देते हैं। बहुत हार्ड तो गाइस ये हो चुके हैं हमारे पास 4 किल, जिसमें से मैंने 2 MP40 से करे। ओ भाई MP40 पड़ी थी, बट बंदा आ गया पीछे। गाइस बंदे का साउंड आ गया तो मैं तभी MP40 की गोली नहीं उठा पाया, लोल। तो गाइस अब मेरे को क्या करना है। गाइस अभी तक हमने क्या देखा, MP40 बिल्कुल क्लोज में जाके काफ़ी अच्छी चल रही है, डैमेज काफ़ी अच्छा 19 का तो डैमेज आ ही रहा है। इससे कम डैमेज तो आने रहा बिल्कुल मिड रेंज के अंदर, ज़्यादा भी नहीं, लॉन्ग भी नहीं, छोट भी नहीं, ठीक ठाक रेंज के अंदर, एक रूम के अंदर काफ़ी अच्छा डैमेज कर रही है MP40 अभी तक। तो मैंने देखने में मेरे को यही नज़र में आया कि ओवरऑल MP40 ने काफ़ी अच्छा डैमेज करा, ठीक है ना। तो सही है, अभी तो अभी तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये MP40 यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अभी तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि कई बार मैं ये सोचता था क्या MP40 है, बकवास ही होगी, फ्री में तो दी थी, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि MP40 ख़राब हो, ठीक है ना। चलो गाइस मेरे को दूसरी MP40 मिल गई, जिसमें टोटल 50 गोली, 32 का रीलोड है। अब गाइस जाते हैं दोबारा से उसी घर के अंदर, देखते हैं कहाँ है बंदा वो वाला। आई थिंक वो चला गया यहाँ से यार। एक तो MP40 की गोली मिलने में बड़ी लोचा हो रहा है, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में सारी गोलियाँ खत्म हो जा रही हैं। यहाँ पड़ा सामान थोड़ा सा उठा लेते हैं, मेडिकेट। बंदा कवर में जा रहा है, जाने दो। तो गाइस मैं लॉन्ग रेंज पहले अवॉइड करूँगा, फिर शॉर्ट रेंज ही फाइट करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कि क्या होता है, शॉर्ट रेंज बेस्ट रहेगा। बंदा डाउन हो जाए यार, छत भाग गया यार, कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ गया यार, छोड़ो उसको छोड़ते हैं। तो गाइस डैमेज था आएगा आसपास, फुट साउंड तो आ रहा है, पता नहीं कहाँ से रहे, कहाँ छुप के बैठ गए, कोई नहीं, कवर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक उधर से भी आ सकता है। ओ भाई उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, क्या देखते हैं, इधर से आया एक। चलो भाई साहब 2 गोली में ख़त्म, 24 24 की 2 गोली, काफ़ी अच्छा डैमेज करा क्लोज रेंज में आते हुए बंदे को इस गन ने। अभी तक तो कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं दिखा कि मेरे को ये अच्छी गन नहीं है, काफ़ी अच्छी गन चल रही है अभी तक। तो एक और बंदा आया, डैमेज, ओ भाई साहब क्या डैमेज करा, 19 19 के इतने सारे मारे, अरे बाप रे बाप। लॉन्ग रेंज में 9 17 18 वो काफ़ी लॉन्ग चला गया था वो, बट लॉन्ग है वो, डाउन को भी 17 18 19 20 का मार रहा है वो भाई, वो वेस्ट अच्छा होगा मे बी, बट लॉन्ग रेंज में उसने पहले 8 का मारा, फिर 18 को मारा, इसे 5 मतलब कि 8 9 8 9, काफ़ी सही मारा, काफ़ी लॉन्ग था, ज़्यादा छोटे नहीं। देखो कितना लॉन्ग है यार, कितने फुट स्टेप्स हैं, ओ भाई काफ़ी दूर था, वहाँ से मैंने मारा इसको भागते हुए को, दो क्योंकि 2 4 गोली का ही था, उसके बाद ये भी मर गया, ठीक है ना। 23 गोली बची हैं इस गन के अंदर, अब दोबारा देखते हैं कि 23 गोली में कितने बंदे मरेंगे। अब मैं जाता हूँ फटैक से MP40 की गोली ढूंढने, MP40 की गोली नहीं मिल रही, हर जगह गोली ख़त्म है यार। एक और बंदा दिख रहा है, हेडशॉट नहीं लगेगा, पता नहीं कवर में भाग गया, एक नीचे भी है, थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, एक नीचे है गाइस एक ऊपर है। तो मैं M4A1 का यूज़ ले रहा हूँ, बिकॉज अभी तक तो मेरे पास M4A1 है 7 के अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा M4A1 का यूज़ करने की, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। और गाइस गोली ढूंढने का पूरा चल रहा है, 23 गोली के अंदर भाई 2 बंदे नहीं मार पाऊंगा, मेरे को गन चेंज करके मारना पड़ेगा। तो फटैक से मिल जाए, यहाँ बंदा आ रहा है क्या, क्यों लग रहा है मेरे को ऐसा, क्यों लग रहा है, कहाँ है वो बंदा, आ गया बंदा आ गया गाइस, बंदा आ चुका है यहाँ पर शॉर्ट रेंज में, देखते हैं मैं उसके पीछे से फायर करूँगा, उसके आगे से नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज मेरे पास गोली कम है, मैं पीछे से पहले M4A1 से मारूँगा, फिर MP40 से, देखते हैं क्या होता है। कहाँ है बंदा, उसी हिसाब से उसको मारेंगे, यहीं है क्या, कहाँ पर है, ओ भाई भाग रहा है। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए भाई साहब, मेरे को यही लास्ट ऑप्शन बचा, लैंडमाइन लगाई जाए, कवर लिया जाए, और ऊपर आते उसको डाउन करते पूरा मार के, उससे SMG लूट ली जाए, क्योंकि मेरे को 2 बंदों के साउंड से लग रहे थे कि 2 बंदे आ रहे हैं गाइस, सुन पाओगे आप भी, 2 बंदों के गेम्स फुट साउंड आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एक नहीं 2 बंदे। ओ भाई साहब ने मेरी लैंडमाइन फोड़ दी, मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, ग्रेनाइट फेंका बहुत हार्ड, बंदा आया, एक को मारा दूसरा ख़त्म। ओ भाई साहब 23 गोली थी उसमें से पूरा बंदा मार दिया भाई साहब, 6 गोली बची, ओ भाई लोग नहीं गया, अरे भाई कितना लोग नहीं गया भाई, और भाई कितना लोग नहीं जाए, और काफ़ी सही डैमेज करा, 7 7 का भी करा, 10 10 का भी करा, 42 का हेडशॉट भी मारा। तो गाइस मेरी MP40 की गोली फिर से खत्म हो गई गाइस, 4 गोली बची है MP40 की। अब मेरे को लग रहा है डर, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे मेरे पे करेंगे रश इकट्ठे, पता नहीं कितने बंदे हैं। 4 MP40 की गोलियां गाइस, देखते हैं 4 MP40 की गोली में कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आ रहे आ जा, तो पता नहीं मेरे को बैठना सही जगह, क्योंकि मैं कभी ऐसे लैंड में लगा के कभी कैंप नहीं करा इस घर में, पता नहीं मेरे को सही जगह बैठा हूँ गलत जगह बैठा हूँ, कोई बात नहीं देखते हैं क्या होता है। चल चल मेरे छाओ ताऊ ताऊ ताऊ, क्या होगा, आ रहा है क्या, पता ही नहीं, कुछ कंफ्यूजन इतना हो रहा है गाइस। एक तो अब शॉर्ट रेंज में धंका प्लेयर हुआ, और शॉर्ट रेंज में मेरे को लड़ना पड़ेगा, चलो एक डाउन पूरा मारूंगा, खत्म बहुत हार्ड। नीचे एक और बंदा खड़ा है, 5 ले लेता हूँ, 2 बंदे हो भाई, 2 बंदे हो भाई, मार ही नहीं पा रहे, उनका लोक ही नहीं हो रहा है, लोग दोनों का अलग अलग मार किसके रहे, अरे दोनों दोनों मेरे को मार रहे, गोली चला रहे, गोली लग नहीं रही,
गोली नहीं लगी, एक लगी भाई, एक ही मारी थी 73 के, 4-10 गोली हो गई एम पी, 14 गोली, अरे और रीलोड था खत्म। अरे मैंने हेड का सोचा था, ऐसे मैं ये सोचा था ऐसे हेड शॉट मारूंगा MP40 से, बट MP40 ने सारा नाश कर दिया। बट MP40 यार मेरे को सेटिस्फाइंग लगी अभी तक के गेम प्ले पे भाई। अभी तक आपने देखा कि कहीं पर भी MP40 ने मेरे को धोखा नहीं दिया कि भाई मैं मार रहा हूँ और वो डाउन ना हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। कई बार MP40 का लोचो होता है भाई, इसका रीलोड स्पीड कम का कारण ही यही है कि भाई ये जितनी गोली होगी उतनी गोली में बंदे को ख़त्म कर देगी, डेफिनेटली ख़त्म कर देगी। तो गाइस ओवरऑल अभी तक तो मेरे को MP40 पे थम्स अप करता हूँ, मेरे को लगी अब तक की काफ़ी अच्छी MP40 जो मैं यूज़ करता हूँ उससे भी काफ़ी सही लगी है मेरे को, क्योंकि मैं कभी ऐसी गन यूज़ नहीं करता कि जिसमें रीलोड थोड़ा कम हो, क्योंकि वेट करना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई वेट रीलोड हो टाइम लगे उसके बाद मैं मारना स्टार्ट करूँ, ऐसा मैं कभी यूज़ नहीं करता। बट मेरे को इस MP40 में काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, वेट करवा रहे हैं, बट वेट तभी करवा रहे हैं क्योंकि इससे पहले पूरा बंदा मार देते हैं, MP40 पूरा डाउन कर देते हैं तभी कर देते हैं, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया गाइस, मैं पूरा गेम प्ले डाल देता हूँ आपके लिए। अभी तक के इतना वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर मारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा कमेंट सेक्शन में बताएं नेक्स्ट वीडियो किसकी आए और कैसी वीडियो आए। तो होप यू गाइस लाइक इट।